फ्रांस के फोटोग्राफर मैथ्यू स्टन ने 10,000 साल पुरानी बर्फ से लेंस बनाने में सफलता पाई है। यह अपने आप में एक नायाब और अस्थायी कैमरा लेंस है। इसको बनाने के लिए आइसलैंड के डायमंड बीच से मिलने वाली बर्फ का इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू स्टन ने लेंस बनाने के लिए 3 बार प्रयास किया और 4वीं बार में उन्हें सफलता हासिल हुई। बेहद ही कम खर्च के साथ इसको बनाने के लिए एक लेंस के आकार वाले खांचे का इस्तेमाल किया, जिसे 3D प्रिंटेड लेंस केस बताया है। इसके बाद बर्फ गोलाकार में तब्दील हो गई और उसकी पारदर्शिता भी बरकरार रही। 10,000 साल पुरानी इस बर्फ को दबाकर एक छोटी सी गेंद में तब्दील कर लिया जाता है। उसके बाद इस गेंद को एक खास तरह के मॉड्यूल में लगा दिया जाता है। इसके बाद 10,000 साल पुरानी बर्फ एक लेंस का रूप ले लेती है। इसके बाद उसे DSLR कैमरे पर लेंस की तरफ फिट कर दिया जाता है। मैथ्यू स्टर्न इस कैमरे का इस्तेमाल करके कई फोटो क्लिक भी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीरें लेकर यह दिखाया है कि यह लेंस कैसी फोटो देगा।